नमोस्तो चर श्री रेखभ चंद्र मोदी आपके से चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं हे गुरुदेव हम टीवी पर प्रतिदिन शांति धारा देखते हैं और घर में ही शांति का अनुभव करते हैं और धर्म प्रभावना भी इससे बहुत होती है किंतु आजकल इस पर भी विवाद होने लगे हैं कृपया मेरा आपसे निवेदन है कि इसका आत्मशुद्धि के अलावा और क्या महत्व तो है कृपया समाधान करें गुरुदेव ये हमारा परम सौभाग्य है कि आजकल हमें धर्म करने के बहुत साधन प्राप्त हो रहे हैं और निमित्त भी बहुत मिल रहे हैं और इन निमित्तों के माध्यम से हम अपनी विशुद्धि को बढ़ाते हैं अपने परिणामों को शुभ करते हैं जैसे कि आजकल टीवी आदि के माध्यम से शांति धारा आदि या प्रवचन या पाठशाला शंका समाधान आदि अनेक प्रकार के कार्यक्रम को देख करके हम सम्य ज्ञान को भी प्राप्त करते हैं और अपनी विशुद्धि को भी बढ़ाते हैं देखिए कुछ करोगे तो कुछ विवाद तो होगा ही होगा जब कुछ नहीं होगा तो कुछ विवाद नहीं होगा तो कुछ भी आप अच्छा स्टार्ट करोगे अच्छा चलाओगे अच्छा करोगे तो कुछ बोलते रहेंगे लोग तो उनके बोलने से आपको किसी प्रकार के अपने परिणामों को शुभ नहीं करना है आप तो अच्छे अच्छे शुभ निमित्तों को ढूंढते जाइए और अपने परिणामों को विशुद्ध करते जाइए किसी प्रकार के वाद और विवाद में मत पहुंचिए हमारी भक्ति में सिर्फ देव शास्त्र गुरु का अवलंबन होना चाहिए पंच परमिष्टि का अवलंबन होना चाहिए और दूसरा निज ध्यान के प्रति अपन को क्या करना चाहिए पुरुषार्थ करना चाहिए ठीक है ना तो इन निमित्तों के माध्यम से आपकी विशुद्धि बढ़ती है पर मैं आपसे ये भी कहूँगा कि सिर्फ ये निमित्तों के सहारे मत रहना मतलब टीवी आदि के माध्यम से आपके यहाँ मंदिर भी है तो आप मंदिर भी जाइए आपकी जो परमाणु हैं जो अशुद्ध परमाणु हैं वो शुद्ध होते हैं इससे आपको और भी शांति की प्राप्ति होगी वहाँ भी श्राद्ध करें गुरु दर्शन करें आहार दान आदि दें और भी भक्ति करके अपना कल्याण आदि करें तो वो हमारे परम निमित्त हैं उन निमित्तों का भी सहारा आप जरूर लें और ये आत्मविशुद्धि के लिए ही मात्र है आत्म परिणामों को ठीक करने के लिए हम इन सबों का उपयोग करते हैं और इनके बीच में कभी कभी आपको इस प्रकार से प्रसंग आते रहेंगे जो आपके परिणामों को अशुभ करने में निमित्त बनेंगे लेकिन फिर भी आप अपने से ऐसा फंसना इनमें और अपने परिणामों को शुभ में लगाए रखना चरश्री के सी जैन संजीवनी नगर जबलपुर से आपके सि चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं हे गुरुदेव बताने की कृपा करें कि वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का शासन काल कब तक चलेगा भगवान महावीर स्वामी की जब दिव्य ध्वनि खरी तब से उनका धर्म तीर्थ की स्थापना हुई अर्थात उनका प्रवर्तन हुआ धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ और सभी लोगों ने उस धर्म को स्वीकार किया अहिंसा आदि धर्म को सत्य धर्म आदि को तो इस प्रकार का ये जो धर्म है सुनना और उसको स्वीकार करना उतारना ये परंपरा जो है महावीर स्वामी की कब तक चलेगी ये आपने पूछा है जब तक दूसरा तीर्थंकर उत्पन्न नहीं हो जाते हैं ठीक है ना दूसरे तीर्थंकर जब तक उत्पन्न नहीं होंगे तब तक शासन किसका चलेगा किसका चलेगा महावीर स्वामी का तो अब देखिए पंचम काल चल रहा है तो पंचम काल के बाद छठम काल आएगा छठम के बाद छठम आएगा इसके बाद पंचम काल आएगा तो अब देखिए छठ्टम छठ्टम जो काल है इसमें तो धर्म का अभाव रहेगा लेकिन फिर भी शासन किसका कहलाएगा महावीर स्वामी का क्योंकि अगले तीर्थंकर जब तक जन्म नहीं लिए तो बीच में कुछ काल में अभाव हो सकता है और होता है कई तीर्थंकरों बीच में ऐसा काल में अभाव हुआ है अब अभाव मतलब क्या मुनि नहीं होंगे आर्का नहीं होंगे ये श्रावक श्राविका नहीं होंगे व्रत धारण करने वाले नहीं होंगे इसका नाम है अभाव तो ये कुछ समय के लिए अभाव हो जाते हैं मतलब लुप्त हो जाते हैं और इसके बाद पुनः जब पंचम काल प्रारंभ होगा तो वहाँ से फिर जो है धर्म प्रारंभ हो जाएगा फिर मुनिराज आदि बनना प्रारंभ हो जाएंगे तो चौरासी हजार वर्ष कितना चौरासी हज़ार वर्ष पंचम काल इक्कीस हजार वर्ष का है फिर छठम भी इक्कीस हजार वर्ष का और फिर छठम का छठम भी इक्कीस हजार वर्ष का जो पंचम फिर दोबारा आएगा फिर वो इक्कीस हजार वर्ष का इस प्रकार से चौरासी हज़ार वर्ष जो है भगवान महावीर स्वामी का शासन काल है नमस्ते श्री सागर जैन जयपुर से आप किसी चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं हे गुरुदेव अभी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें धौलपुर के सांसद माननीय मनोज राजौरिया जी के द्वारा और आपकी प्रेरणा से 2550 निर्माण महा निर्माण की एक आवाज़ पार्लियामेंट में उठाई गई जो कि बहुत गर्व की बात है जैन समाज के लिए तो हम इस कार्यक्रम को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे आपकी प्रेरणा से कृपया इस कार्यक्रम को समझाने की कृपा करें नमोस्तु गुरुदेव हमारे धर्मानुरागी मनोज राजूरिया सांसद जी ने जो पार्लियामेंट में एक शंखनाथ किया भगवान महावीर स्वामी का 2550 वा व निर्माण महोत्सव शुभारंभ हो और भारत सरकार इसको मनाए तो देखो भारत सरकार तो अपना कर्तव्य का पालन करेगा ही करेगा लेकिन हमारा भी अपना एक कर्तव्य है क्या करना है 2023 से 2024 तक एक साल तक सभी लोग अपने घरों में दीप सजाएं भजन कीर्तन करें महावीर स्वामी का कीर्तन करें फेरी प्रभात फेरी आदि निकालें और अनेक प्रकार के ऐसे आयोजन करें कार्यक्रम करें तीर्थंकर महावीर स्वामी के नाम से धर्मशाला का नाम तीर्थंकर महावीर स्वामी चौराहे का नाम तीर्थंकर महावीर स्वामी जो कुछ है तीर्थंकर महावीर स्वामी के नाम से और एक लोगो भी बनाया गया है उस लोगों को आप अपने हर स्थान पर हर जगह जो भी आप कार्यक्रम प्रोग्राम करें पत्र पत्रिकाएं निकालें उन सब में आप इसको जरूर लगाएं, ये महोत्सव का लोगो है विश्व कल्याण महोत्सव है इसके लिए आप स्वयं सोचें कि हम किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं जैन जैनेतर में हम महावीर स्वामी की वाणी को उनके संदेशों को घर घर तक पहुंचाने के लिए इस स्कूलों में आप निबंधन निबंध निवन्द आदि लिखवाने के कार्यक्रम आदि करें कि गण महावीर स्वामी का पर निबंध लिखें अहिंसा के ऊपर सत्य के ऊपर आपरिग्रह के ऊपर तो बहुत सारे कार्यक्रम हो सकते हैं यदि आप चाहेंगे तो बहुत सारे कार्यक्रम को हम सब लोगों को दिखाएंगे भी ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है टीवी आदि के माध्यम से आपके कार्यक्रम जो सुंदर सुंदर होंगे वो दिखाई भी जाएंगे सभी साधु संत लोग जहाँ जहाँ हैं वो कार्यक्रम करेंगे विद्वान गोष्ठी करेंगे युवा सम्मेलन महिला सम्मेलन और इस प्रकार से अनेक प्रोग्राम आप कर सकते हैं और करना ही चाहिए क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के हम काल में हैं और हमारा दायित्व है कि हम ऐसा निर्माण उत्सव मनाएं कि आगे चल करके हमारा भी निर्माण हो जाए ये मंगल भावना हम सबके जीवन में आना चाहिए अब एक दिन की दीपावली नहीं पूरे एक साल तक की दीपावली चलना चाहिए उत्सव होना चाहिए महोत्सव होना चाहिए आनंद ही आनंद होना चाहिए इस प्रकार के कार्यक्रम सारी समाज बनाए। युवा मनाए युवा वर्ग मनाएं महिला वर्ग मनाए पुरुष वर्ग मनाएं सभी मंदिरों में सभी घरों में यह कार्यक्रम और खुशियाँ होना चाहिए कि जिससे हमारे जो चेतना है हो हो जाए हो जाए हमारी समाज भी सभी को सादर जय जिने जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार आप सभी की शंकाओं का समाधान किया जा रहा है जो कि पारस चैनल के माध्यम से नित्य शाम को प्रसारित होता है और पाठशाला भी प्रसारित की जाती है जो कि तत्ववार सुस्वाध्याय की, की पाठशाला होती है ये प्रोग्राम पारस चैनल में शाम पाँच बजे से पाँच चालीस तक चलता है आप सभी अवश्य देखें और जिस प्रकार से संबंधित किसी भी प्रकार से संबंधित ये कोई भी शंका आपके मन में है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भेजें आपकी शंकाओं का समाधान पूज गुरुदेव के मुखार से आगम के अनुसार किया जाएगा जय जिनेन्द्र